अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में देख लीजिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसे टेंस को कहते हैं जिसमें एक्ट जो है वो कंटिन्यूअस होता है लेकिन इन फ्यूचर टेंस में होता है, यानी कि मुस्तकबिल में होता है। जैसे उर्दू में जुमले के आखिर में कर रहा होगा, कर रही होगी, वो काम कर रही होगी, ठीक है, वो जा रही होगी, वो खाना पका रही होगी। हमसे कोई पूछता है, बच्चों से कोई पूछता है कि मामा घर में क्या कर रही थी, तो बच्चे कहते हैं मामा घर में खाना पका रही होंगी इस वक्त, ठीक है, इस वक्त वो क्या कर रही होंगी, तो बच्चे अज्यूम करते हैं कि वो मामा खाना बना रही होंगी। तो ये क्या होता है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इन जुमलों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इन जुमलों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है और इमदादी फेल आई वी के साथ शैल बी, जबकि ही शी इट एंड यू के लिए विल बी इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई शैल बी एंड वी शैल बी, आई और वी के साथ पहले हमने शैल लगाया था, अब ये शैल बी होता है। मनफी जुमला बनाने के लिए इमदादी फेल विल शैल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। सवालिया जुमला बनाने के लिए विल शैल जुमले के शुरू में आ जाएगा और आखिर में सवालिया निशान। मनफी सवालिया जुमला बनाने के लिए विल शैल जुमले के शुरू में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता और आखिर में सवालिया निशान। नोट, जब पुख्ता इरादा हो तो आई वी के साथ विल बी और बाकी के साथ शैल बी इस्तेमाल होता है। फार्मूला देख लें, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस रेलेवेंट वर्ब, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। और नेगेटिव में हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस रेलेवेंट वर्ब। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेलेवेंट वर्ड आते हैं। इसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेलेवेंट वर्ब। अच्छा, यहाँ पे देखें, आमना आम खा रही होगी, आमना विल बी ईटिंग मैंगो, ठीक है, आमना आम खा रही होगी, आमना विल बी ईटिंग मैंगो। अली स्कूल जा रहा होगा, अली विल बी गोइंग टू स्कूल। हम मरी सैर को जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग फॉर विजिट टू मरी। हम अपना कमरा साफ, क्या मैं अपना कमरा या मैं अपना कमरा साफ कर रही हूँगी। आई शैल बी क्लीनिंग माई रूम, आमना जरूर फिर से गलती नहीं कर रही होगी। आमना शैल नॉट बी मेकिंग मिस्टेक्स अगेन, हम जरूर एक तस्वीर बना रहे होंगे। वी विल बी ड्राइंग अ पोर्ट्रेट, ये जनाब इसका फॉर्मूला है। अब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं, आमना आम नहीं खा रही होगी, आमना विल नॉट बी ईटिंग मैंगोज। अली स्कूल नहीं जा रहा होगा, अली विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। हम मरी सैर को नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग फॉर विजिट टू मरी। क्या हम अपना कमरा साफ नहीं कर रही होंगी, क्या मैं अपना कमरा, शैल आई नॉट बी क्लीनिंग माई रूम। क्या आमना जरूर फिर से गलती कर रही होगी, शैल आमना बी मेकिंग मिस्टेक अगेन। क्या हम जरूर एक तस्वीर बना रहे होंगे, विल वी बी ड्राइंग अ पोर्ट्रेट, ठीक है, ये इसका हम इस तरीके से करेंगे। अब हम देखते हैं सेंटेंस टू प्रैक्टिस। बच्चा रो रहा होगा, हाँ जी क्लास,